खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं चनियोर का। चनियोर नीलम थिएटर में फुल फनी फैमिली ड्रामा मुल्तानी बिजलियां बहुत ही खूबसूरत कास्ट, जैसे चनियोर की आवाम ने बहुत पसंद किया। फनकारों को बहुत इज्जत दी, जिस पर ड्रामा मुल्तानी बिजलियां की कास्ट निशा मलिक, सोनिया खान, लकी खान और दीगर फनकारों ने चनियोर की आवाम का शुक्रिया अदा किया। और ब्यूरो चीफ ऑल पाकिस्तान आसिफ इकबाल से बात करते हुए कहा कि अजी बिल्कुल इस तरह मौजूद हो चनियोट के नीलम थिएटर में, और हमारे साथ जो है चनियोट की ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान की बहुत बड़ी आर्टिस्ट, बहुत बड़ा नाम सोनिया गोंदल, बहुत सारे शहरों पर जाके इन्होंने अपने फ़न का लोहा मनवाया। और आज जो ये शख्सियत है हमारे साथ चनियोट में मौजूद है, और इनसे जानते हैं कि सोनिया गोंदल ने बहुत सारे शहरों में काम किया, तो चनियोट में काम करके कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। सोनिया गोंदल कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सोनिया, बहुत सारे शहरों में आपने काम किया है, तो चनियोट में काम करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, चनियोट के लोग बहुत अच्छे हैं। और ये बताइएगा, ये जो मुल्तानी बिजलियाँ, ये जो लड़कियाँ और ये जो लड़के मुल्तान से आए हैं, इनके साथ काम करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा कितना अर्सा हो गया आपको इस फील्ड में काम करते हुए? मुझे काफ़ी अर्सा हो गया सर। और बहुत सारे शहरों में आपने काम किया होगा, तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत चाहत किस शहर से मिली आपको? एक जैसी सब शहरों में। सब शहरों में बहुत ज़्यादा एक जैसी। ठीक हो गया। अच्छा सोनिया गोंदल, हम आपसे जो है ये जान पहचान करना चाहेंगे कि ये बताइएगा आप हमें कि आपकी फैमिली में से भी कोई और इस फन में है? नहीं नहीं, हमारी फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं है। आपको ये शौक कहाँ से लगा? बस शौक था, बचपन से शौक था। हाँ जी। तो आप एक्टिंग करते हो या डांसिंग? राणा जी